बनियापुर थाना अंतर्गत कुचली बाजार में एक गल्ला व्यवसायी के दुकान पर भोले सब अपराधकर्मी आए थे और उनके द्वारा लूट डकैती की घटना कायद किया था, जिसमें कि एक दुकान से गल्ला उठा करके ये लोग ले गए थे। गल्ला के साथ कुछ कैश और था, वो उठा करके ले गए थे। इसमें बनियापुर थाना अध्यक्ष को तुरंत इसमें सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्ति के बाद घटना के संबंध में वायरलेस सभी थाना को कार्रवाई कर, तो वायरलेस के क्रम में ही उसी क्षेत्र में माननीय सांसद महाराजगंज का जो जिला से स्क्वाड दिया गया है, उसके ड्राइवर को इसके बारे में सूचना मिली वायरलेस के माध्यम से। तो उसी क्षेत्र में रहने के कारण और संभावित उसी मार्ग से अपराधी के भागने के दृष्टिकोण से उनके द्वारा वहीं पर चेकिंग लगा दी गई। चेकिंग के क्रम में जो भाग रहे अपराधकर्मी थे उनके बोलेरो को वहाँ पर टैप किया जा सका, परंतु अपराधकर्मी बोलेरो से उतर कर भागने में सफल है। दो अपराधकर्मियों को वहां से पकड़ा गया, जो लूट के दौरान गल्ला लेके जाया जा रहा था वो बरामद किया गया और कुछ कैश बरामद किया गया। जो दो अपराधकर्मी पकड़े गए उनसे फिर फर्दर टीम बना करके पूछताछ की गई, जिसमें कि दिघवारा थाना अध्यक्ष, टाउन थाना अध्यक्ष, दनियापुर थाना अध्यक्ष शामिल थे। उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में उन अपराधकर्मियों के बारे में पता चला, जिससे कि पता चला कि घटना में कुल 9 अपराधकर्मी शामिल थे। इसके बाद छापामारी करते हुए कुल अन्य 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से कुल 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। कुल लगभग 64,500 रुपये में बरामद किए गए हैं और 2 अपराधकर्मी जो थे उनके पास एक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया, एक एक गोली दोनों के पास से बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त बोले हो वहीं जहाँ चेकिंग की जा रही थी वहाँ से बरामद हुआ है। घटना के बारे में यह पता चला है कि एक अपराधकर्मी रोहित कुमार, जो कि नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा इसका प्लानिंग की गई थी। ये उस जो गल्ला व्यवसायी हैं उनके संबंधी भी लगते हैं और उस दुकान पर पहले कार्य भी कर चुके हैं। इन्हीं के द्वारा प्लानिंग की गई थी और मुख्य रूप से अपराधकर्मी सुधीर कुमार गिरी हैं, जिनका अहम योगदान था पूरे घटना को संचालन करने में। घटना स्थल पर भी इनके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त देसी पिस्तल था उसे बरामद किया है। इसमें जो स्पॉट के ड्राइवर थे उनका कार्य काफ़ी प्रशंसनीय था। इनके द्वारा वायरलेस पर सूचना प्राप्त होते ही तुरंत इसमें कार्रवाई की गई, जिससे कि घटना का तुरंत उद्भेदन हो सका। और बाद में अन्य जो टीम के सदस्य थे उनके द्वारा छापामारी करते हुए कुल 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया, बचे हुए 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी।